नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, उसने कहा एक जगह चुनाव था, मतदाता सूची में जितने मतदाता थे उसमें से 10% वोट डालने ही नहीं गए। ठीक है, अब जो वोट डाले उसमें से 10% क्या है, अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, अब जो बचे वोट रहे यानी वैध मत रहे उसमें से 54% प्राप्त किए जीतने वाले मतदाता ने और वह 1620 मतों से जीत गया। हमें प्रश्न वाले ने पूछा कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि मतदाता कितने थे, X थे। ठीक है, हमने मान लिया कि जो मतदाता सूची थी उसमें सम्मिलित मतदाताओं की संख्या कितनी थी, X थी। अब इस X में से देखिए कि पहले तो 10% वोट डालने ही नहीं गए, डालने नहीं गए, तो X का 10% यानी 10x/100 इतने मतदाता डालने नहीं गए। अब उसने कहा कि जब डाले गए मत तो इसमें से हम पहले यह घटा देंगे तो वह क्या निकलेगा, डाले गए मत निकलेंगे x-10x/100। 100 एकम 100, 100 में से 10 जाएंगे 90x/100 यानी कुल डाले गए मत कितने हैं, 90x/100। अब उसने कहा कि जो मत डले उनमें से भी 10% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। डाले कितने गए, 90x/100, इसमें से ही 10% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, 0 से 0, 0 से 0 यानी कि 9x/100 इतने अवैध हो गए। तो वैध मत कितने हुए, कुल कितने डाले गए, 90x/100 - 9x/100, 90 में से 9 जाएंगे 81x/100, ये है वैध मत। ठीक है, अब 81x/100 है वैध मत। अब उसने कहा कि जो जीतने वाला मतदाता है, ठीक है, दो मतदाता होते हैं, एक जीता और एक हारा, तो जो जीता वाला है उसने 54%, तो हारे वाले ने ऑटोमेटिक 46% प्राप्त किए होंगे। ठीक है, तो जो जीतने वाला मतदाता है उसको 54%, हारने वाले को 46%, डिफरेंट कितना है, 8% यानी 8% का डिफरेंट है, 8% वोट इसने ज्यादा प्राप्त किए। अब वही कहा उसने कि 1620 मतों से जीत गया, यानी इस मत का 8% जो ज्यादा हुआ वही क्या है, 1620 है। इसको लगा देते हैं 81x/100, इसका 8%, तो 8/100 किसके बराबर होगा, 1620 मतों के। ठीक है, हमें यहां चाहिए x की वैल्यू, x यही रखते हैं, बाकी को सबको उधर भेज देते हैं, 100 और 100 ये दोनों ही चले जाएंगे नीचे, 81 और 8। ठीक है, अब इसको हम काट कर देंगे, 8 2 बार जाएगा 20 हो जाएगा, और 4 2 8, 4 5 20, 2 से और काट देंगे 50 2 100, तो x बराबर 5 × 50 × 100 25, तो 25 1 2 3 0। ठीक है, यानी कुल मतदाता कितने थे, मतदाता थे 25,000।
उसने ही पूछा था मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, उसी को हमने एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई 25,000, यानी कि जो मतदाता सूची थी उसमें मतदाताओं की संख्या 25,000 थी। ठीक है, तो कैसे लगाया, हमने मतदाताओं को माना था एक्स, मत डालने जो नहीं गए वह थे 10%, 10% घटा दिए तो 90/x यह वोट डाले गए। अब इसमें से ही 10% अवैध घोषित किए तो हमने वह निकाल दिया जो कि निकले 9x/100, वैध मत निकले 81x/100। अब यहाँ पर एक बात थी कि जीतने वाले ने जब 54% प्राप्त किए तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे 46%। डिफरेंट कितना है 8% का, यानी जो 8% का डिफरेंट है और किसके बराबर होगा 1620 की, तो हमने उसके बराबर कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर निकल के आ गया 25,000। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।